सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज पाठ प्रतिष्ठा का है छठा दिन और आज है भंडारा, शिखर स्नान है, हवन है और आज ही भगवान की मूर्ति को प्रतिष्ठित भी किया जाएगा, मतलब मूर्ति बैठाई जाएगी मंदिर में। सो आज आखिरी लास्ट दिन है तो हर कोई थोड़ा अच्छे से तैयार होगा क्योंकि शाम को बहुत सारे गेस्ट आएंगे। और ये देखिए मैंने मेहंदी लगाई है, मुझे लगा रही है कोमल, भाभी की भतीजी है तो, और सुबह मिलके मुझे लगाई है मेहंदी। ये झटपट वाला मेहंदी है, 5 मिनट में लग जाएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत मेहंदी लगाऊँ। और इधर भंडारा की हो रही है साग की तैयारी जिसमें बन रहा है बूंदी, ये बूंदी बन रहा है बेसन वाला, इसका प्रसाद बटेगा भंडारे के साथ भी और हवन पर भी बटेगा। और इधर बन रही है सब्जी, मिक्स वेज बन रहा है और पूड़ी बनेगा, मतलब पता नहीं क्या क्या बन रहा है, जो भी होगा शाम के भंडारा में। सो बिना लहसुन प्याज के भंडारा में खाना बन रहा है और सब कुछ बन रहा है। और इधर शिखर स्नान की तैयारी हो रही है, पंडित जी इधर ओम नमः शिवाय लिख रहे हैं और ये जो लाइनें खींच रहे हैं इसके अंदर 111 कलशों को रखना है, उसमें पूरा मतलब भर के पानी, पानी डालना है, हल्दी डालना है कलशों में और उसको बारी बारी से एक लोग जितना कलशा उठा सकते हैं उतना मंदिर के ऊपर सारे कलशों को डाला जाएगा। सोची की तैयारी चल रही है, ये मेन होता है प्राण प्रतिष्ठा में शिखर स्नान, जो कि सारे कलशों के पानी को मंदिर पे बहाया जाता है और फिर पानी डाल के मंदिर से फिर ऊपर से नीचे गगरी को फेंका जाता है, जिसमें ये काउंट किया जाता है कि कितने गगरी फूटे और कितने बचे, इसका भी कुछ अर्थ होगा जो कि मैं लास्ट वीडियो में बता ही दूंगी आपको। सो ये देखिए अभी सारे कलशों को ला ला के यहाँ पे रखना है और इधर भंडारे की तैयारी हो चुकी है तो मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी थोड़ा थोड़ा, बहुत सारा काम है और मुझे जिम्मेदारी भी है। सो अभी यहाँ पे पूजा भी चल रहा है, फिर भी मैं टाइम निकाल के थोड़ा सा इसको आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये बन रहा है बूंदी, तो इसी तरह बेसन के घोल को डाल के यहाँ तला जा रहा है, उसके बाद इसको चीनी के पाग में डाला जाएगा, सो बूंदी तैयार होगा। बूंदी मेन प्रसाद होता है भंडारे का, सो सबको हवन के बाद प्रसाद में भी दिया जाएगा और रात के खाने में भंडारे में भी चलेगा, तो इसीलिए ढेर सारी बूंदी बन रही है। और गुलाब जामुन वगैरह ये पहले ही बन चुका है, तो सो अभी मैंने आपको सब दिखा दिया और अब चलते हैं पूजा की तरफ। तो बहुत सारा काम है इसलिए मैंने साड़ी नहीं पहनी है, मैंने अभी प्लाजो कुर्ती और दुपट्टा अरेंज किया है और यहाँ पे भगवान जी को प्रतिष्ठित किया जाएगा। तो जितने लोग वस्त्र लाए हैं, फल लाए हैं, सब अपना अपना यहाँ पे चढ़ाएंगे और सब कुछ होगा। तो यहाँ पे देखिए कल से सारे लग चुके हैं और मैं कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगी, तो मेरे लिए इजी काम यही था कि कलशों में मैं पानी डाल दूँ, तो मैं सारे कलशों में पानी डालूँगी और फिर उसमें हल्दी मिलाना है। तो ये सारे काउंट करके रखे हैं, 111 कलशे हैं, तो देखिए सब में मैं पानी डाल रही हूँ और मेरा वीडियो शूट कर रहा है हर्षित, क्योंकि मुझे मैं सब कुछ तो नहीं कर पाऊँगी अपने से। तो ये देखिए मैं फटाफट सब में पानी डाल दे रही हूँ और मेरी मदद अभी भाभी लोग भी आ जाएंगी तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम चल रहा है। और उधर तत्थे पे बिछा के मूर्तियाँ रखी जा रही हैं, वहाँ पर उनका श्रृंगार होगा और पूजन होगा और फिर जितने लोग चाहे वस्त्र, फल, पैसा सब कुछ चढ़ाएंगे, पंडित जी लेंगे। और यहाँ नया तत्था, नया बिस्तरा सब भगवान जी के लिए आया है तो वो सब भगवान जी लेंगे। और ये छोटे जीजा हैं, तो सारे गेस्ट अभी दिन में आने लगे हैं, शाम को बहुत सारे हमारे यहाँ नौगढ़ सिद्धार्थनगर के विधायक, अध्यक्ष और भी बड़े बड़े लोग हैं जो कि सबको कार्ड गया है, सब लोग आएंगे गेस्ट के रूप में क्योंकि ये प्राण प्रतिष्ठा है तो हर कोई आएगा। और इधर भैया बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि देखिए कोई कपड़े पहनने का भी टाइम नहीं है, इतना ज़्यादा काम है तो हर कोई काम कर रहा है पर मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाई, मुझे कोई काम करने के लिए कह भी नहीं रहा है, बस मुझे जो इजी लग रहा है, पूजा पाठ करने से मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है इसलिए मैं अपनी खुशी से ये सब कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पानी डालने का सौभाग्य मिला। तो पंडित जी ना कलशों के लिए भी पैसा तय किए हैं कि 21 रुपये जो देगा वही ये शिखर स्नान में भागीदारी ले पाएगा, पर ऐसा होना नहीं चाहिए, पर पंडित जी ने ऐसा शर्त रखी है, पर मैं तो 11 रुपये देकर ही अपना कलशा उठा लूँगी। तो
ये सारा हो गया और उधर सब लोग अपना अपना कपड़ा वगैरह मूर्ति पे चढ़ा रहे हैं। इसके बाद शिखर स्नान होगा, मटकी फोड़ होगा, जो कि अभी मंदिर के ऊपर चढ़ना पड़ेगा पापा को। पर पापा मंदिर पे चढ़ नहीं पाएंगे तो वो काम भैया करेंगे, पंडित जी ने बोला है कि वो कर सकते हैं वो काम, तो भैया ही करेंगे सारा काम, भैया ही कर रहे हैं। बस पापा पूजा पे बैठे हैं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा इसमें रहता है त्याग की, मतलब इतना देर देर करना है तो वो सब भैया ही करेंगे। सो ये देखिए जीजा लोग हैं, सब लोग आ गए हैं और इधर मटकी फोड़ की तैयारी चल रही है, इधर भाभी और भैया पूजन करवा रहे हैं। सो भैया को इधर उधर दौड़ना भी है, फिर भी टाइम निकाल कर पूजन भी करवा रहे हैं, तो सारे काम हो रहे हैं। सब लोग रेडी हो चुके हैं शाम के लिए, हवन के लिए। ओम मंगाए थे तो सब लोगों चढ़ा दिया था, पर मैं बहुत लास्ट में गई, पर अभी थोड़ा सा फल वगैरह था मेरे पास जो भी, तो मैंने चढ़ा दिया। वैसे श्रद्धा का कोई ये नहीं होता है कि क्या आप चढ़ाओ, चढ़ाने को तो सब लोग कुछ भी चढ़ा सकते हैं, पर जो जिसके पास है वही चढ़ाएगा। तो सारा ये सब हो गया और उधर गेस्ट भी आ रहे हैं, तो पूजा और सब बच्चे जो हैं मेरी दीदी के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा इस पूजा में भागीदारी लिए हैं, मतलब पानी वगैरह पिलाने का मेहमानों को वो सारी जिम्मेदारी ले लिए हैं। परिवार रहते हैं तो टाइम पे काम आता है। आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग वीडियो में ज़रूर बताइएगा। और मैंने प्राण प्रतिष्ठा के 5 दिन पूजा चले, ये पूजा 7-8 दिनों तक चलता है, बट शॉर्टकट में पंडित जी ने करवाया है तो 6 दिन में पूजा ख़त्म हो रही है। और कल तोरण भी सरवाया जाएगा तो उसका भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी, मंदिर जाएंगे हम लोग, तो आप लोग वीडियो देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट भर भर के कीजिएगा, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, महादेव के भक्त हैं तो इतना अच्छा। और ये सारी मूर्तियाँ बहुत प्यारी हैं, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, अयोध्या से आई हैं, और अभी सारा आज प्रतिष्ठित हो जाएगा मंदिर में। तो दोस्तों कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके 4 दिनों के पहले सिख आप फाला निवास, अन्ना निवास और ये सब जला निवास और कलश यात्रा, ये सारे वीडियो मैंने डाले हैं, आप लोग चैनल पे जाके चेक कीजिएगा, देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट भर भर के दीजिएगा। सो दोस्तों चलिए ब्लॉग पे बने रहिएगा, शाम तक का देखिएगा। और शाम को मैं साड़ी पहनूंगी, क्योंकि अभी दिन में तो मैं पहन ही नहीं पाऊँगी, हर कोई तैयार हो गया साड़ी पहन के, पर मुझे सूट में कम्फर्टेबल लगा इसीलिए मैंने सूट ही पहन रखा है। मैं शाम को एकदम से तैयार होंगी जब ये और भंडारे में भीड़ हो जाए तो मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पाऊँगी, मैं लास्ट में जाऊँगी तो थोड़ा बहुत आपको दिखा दूँगी। और नौगढ़ के विधायक अध्यक्ष आए हैं तो उनके लिए स्पेशल ये पानी पिलाने की व्यवस्था की जा रही है, काजू किशमिश काजू कतरी, तो सारी व्यवस्थाएँ हैं और बूंदी गुलाब जामुन सब कुछ, बहुत ज़्यादा पापा ने सारी व्यवस्थाएँ रखी हैं। चलिए नौगढ़ के हैं, अभी मैं इतना नहीं जान पा रही कौन अगर वहाँ पर मतलब अध्यक्ष हुए हैं और दर्शन किया प्राण प्रतिष्ठा में, सब कोई भागीदारी हो रहा है, दिन में ही आ चुकाए हैं, ठीक है, पुलिस फोर्स भी है इनके साथ, तो दिन में ही आ गए हैं जिसको पूजा उसको रखो, अभी बहुत सारे गेस्ट आएंगे ना तब लगेगा, ठीक। तो अभी प्राण प्रतिष्ठा में आए हैं विधायक जी और इधर हलवाई का खाना बन रहा है, उधर पूजा काजू बादाम काजू कतरी सर्व कर रही है, जो मतलब बाहर के गेस्ट हैं जैसे मंत्री वगैरह जो आ रहे हैं, विधायक वगैरह सबको कोई प्राण प्रतिष्ठा में आ रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो जो शाम को नहीं आ सकते वो दिन में ही आ रहे हैं और 5,000 रुपये देकर जा रहे हैं भगवान को, पंडित जी पूरा मालामाल हो गए हैं। तो इधर देखिए इधर देखिए मसाला भैया भून रहे हैं, मसाला पीस रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो ये सारा काम चल रहा है, गोभी फ्राई हो रहा है, इधर पंडित जी खाना खा रहे हैं, तो ये पंडित जी के लिए पूड़ी बन रहा है बिना लहसुन प्याज का पूड़ी सब्जी की। तो जैसा भोले शंकर भगवान की जय जय हो, पापा हमारे मंदिर में चढ़ गए हैं, कलश का पानी डाल, बोलो भोलेनाथ की जय। उधर नाना बेटा नाना मंदिर में गए हैं, हर बार लगा लो, हर बार लगा लो, हाँ इस बाबू के घर परिवार बिटिया बहन जे भी चाहे कलश के वहाँ फेंके करती, स्नान करावे करती, तैयार रहे। अरे अभी तो
बहुत लागी पंडित जी, 11 रुपया कलसा दी तो नहीं चली, दक्षिणा में कुछ कटौती नहीं हुई पंडित जी? कहा थे 21 रुपया कलसा, बताओ जिसके पास नहीं है वो कहाँ से? अरे बच्चा ऐसे न कहो जिसके पास नहीं है। हवा भाई तू 11 रुपया कलसा दे दे। चलो ठीक है बात, आपकी श्रद्धा है 11 रुपया दे दियो कल। हाँ 11 रुपया कलसा दे दे। अरे चिल्ला भी तो इसे हमारा घाटा हो जाए। और जिसको दक्षिणा जमा करना है जमा कर दीजिए पंडित जी के पास। जिन माताओं बहनों को शिखर स्नान नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोल नमः शिवाय नमः शिवाय। पंडित जी क्या नमः शिवाय बोला का त्रिशूल पर पानी गिराओ। त्रिशूल पे ना गिर पाए बहुत ऊपर हो जाइयो। गुल्लू बाबू पे गिरा दिया नहीं कल सब गिरा दिए। गिरावे पूरे गिरा दो। हेलो शंकर जी के नाम लेके गिरा। हाँ हाँ शंकर भगवान की जय। बोलो बाबा जितेंद्र बाबा बोल ले पूरु बोर फेंके कलाश पूरु पूरु बोर छोड़ ले पूरु बोर। ओम नमः शिवाय। यार पीना खत्म चली गया पीना खत्म। हरे हरे बोले नमः शिवाय। प्राण प्रतिष्ठा में जो ये आज का 5वां दिन है ना, ये सबसे अच्छा लगा मुझे। और अभी सब लोग मतलब ऊपर चढ़ेंगे, पंडित जी पापा भैया जीजा भी चढ़े हैं, और इधर प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति भी यहाँ प्रतिष्ठित की जाएगी। तो उसके पहले यहाँ पे पोछा लगेगा, सफाई होगा और फूल माला से मंदिर को सजाया जाएगा, जो कि पूजा जिम्मेदारी ली है। पूजा बहुत ज़्यादा काम की है तो अभी पूजा मंदिर सजा रही है, पूरा मंदिर में सजेगा फिर प्रतिष्ठित होगा। इधर हो रहा है हवन और अब इधर प्रसाद वितरण होने का काम होने जा रहा है, तो ये जिम्मेदारी मैंने ले ली है। सभी दोंगों में मैंने बूंदी और केला लगा दिया है, पंचामृत वगैरह बाहर रखा हुआ है। तो मैं और पूजा प्रसाद तैयार कर रहे हैं सबको, बस हम लोग दोंगे में लगा दे रहे हैं ताकि देने में आसानी हो। बस एक एक दोंगा सबको ले देते जाएंगे, ऐसे हाथ में देना अच्छा नहीं लगता। सो ये लग रहा है करीब ये 100 दोंगे लग चुके हैं और अभी देखेंगे आगे पीछे जो होगा वो लगता रहेगा। सो मैं पूजा मेरे लिए इजी है, मैं बैठ के कोई भी काम आराम वाला कर सकती हूँ, इसलिए मैंने बैठ के प्रसाद ही निकालने वाला काम लिया है और बाकी दौड़ने वाला मेहनत वाला सब दीदी लोग ली है। तो पूजा केला काट रही है, मैं बूंदी निकाल रही हूँ, तो ये प्रसाद वितरण है हम लोगों के यहाँ का। तो अभी गुलाब जामुन वगैरह सबको पानी पिला दिया गया है, अब ये प्रसाद निकल रहा है। सो इसके बाद हवन के बाद सब लोग रेडी होंगे, उसके बाद से शाम के भंडारे की पूरी तैयारी होगी। तो गाना वगैरह साउंड चल रहा है, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर अलग से किया है, मैंने साउंड वाले आवाज़ को कट किया। मेरा गला बहुत ज़्यादा भंडारे में बैठा है, इसीलिए मैं ये वीडियो कुछ दिन बाद अपलोड कर रही हूँ ताकि मेरी वॉइस अच्छी हो जाए और मैं वॉइस ओवर कर सकूँ। सो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ऐसा हो ही जाता है काम काज में, अक्सर गला बैठ जाता है क्योंकि साउंड की वजह से सबको चिल्ला चिल्ला के बुलाना होता है, तो ऐसे हो जाता है। मेरी हालत देख ही सकते हैं, मैंने अभी बाल तक नहीं बनाए हैं, तो कोई भी नहीं बनाया है। मैं और पूजा मतलब हम लोग अभी ऐसे ही हैं, हमको सब रेडी होंगे। सो चलिए अभी ब्लॉग बने।